कुछ रोज पूर्व तृणमूल सांसदों की एक अहम बैठक पीएम मोदी के संग संपन्न हुई। दोनों सदनों के कोई 12 तृणमूल सांसद प्रधानमंत्री से संसद भवन स्थित उनके कक्ष में मिले। विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि पीएम के साथ तृणमूल सांसदों की बैठक दोपहर 12:05 पर शुरू हुई और ये बैठक कोई 12:35 तक चली। पीएम के कक्ष में प्रवेश करने से पहले दीदी के इन बाकुरों के तेवर और स्वर दोनों उग्र थे, पर जब एक बार पीएम से मिलकर ये बाहर निकल रहे थे तो उनके तेवर, नजर और नजरिया तीनों बदले हुए से थे। जब पत्रकारों ने उनसे ये जानना चाहा कि आखिर पीएम के साथ उनकी क्या बातें हुई, तो इन्होंने संवेद स्वरों में कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का उन्होंने पीएम से अनुरोध किया है। पर जानने वाले बताते हैं कि पीएम से मिलकर तृणमूल सांसदों के तेवर किंचित ढीले पड़ गए हैं, नहीं तो अब तक 19 विधेयकों को लेकर तृणमूल का विरोध था जिसे वो सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहती थी। ऐसा न करने की सूरत में टीएमसी सांसद सदन के बायकॉट की धमकी दे रहे थे, पर मोदी ने क्या मंतर फेरा कि इनके विरोध की गिनती 19 से घटकर अब मात्र 7 रह गई है, यानी मात्र 7 विधेयकों पर टीएमसी को दिक्कत है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।